तो जो अभी हमारे चेहरों से जो स्माइल नहीं जा रही होगी आप देख रहे होगे, उसका कारण ये है कि अब हम इस वक्त अपनी नई गाड़ी में ही बैठे हैं। तो गाइस फाइनली डिसीजन क्यों बना और क्यों ये गाड़ी ली हमने, यही क्यों ली और स्पेसिफिकली ये मॉडल वगैरह मैं सब रिव्यू करूंगा। करोल बाग में जितना ईज में काम हो गया है ये सारी चीज वो दिखाते हैं, बट एक्चुअली में उतना ईज में होता भी है नहीं। पहले जो हमारा प्लान था ऑलमोस्ट एक साल पहले से हम लेने का सोच रहे थे, तब से लेके अब तक हमने कितना स्विच करा हो, कितना चेंज करा हो, कभी और एक्चुअली ग्लांजा का तो माइंड में था ही नहीं, बहुत ही रैंडम और बहुत सारे व्हीकल्स और मॉडल्स देखने के बाद अचानक से ग्लांजा का मूड बना। वो कैसे बना वो क्यों बताए। फ्लैशबैक। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं और पूजा हम लोग गाड़ी बुक करने के लिए जा रहे हैं। बेसिकली अभी हम हुंडई के शोरूम में जा रहे हैं और आपको इस व्लॉग का जितना भी शूट होगा इस टॉपिक के ऊपर कौन सी गाड़ी हम चूज करने वाले हैं, अभी कुछ ये भी श्योरिटी नहीं है कि फाइनल मतलब कौन सी आ पाएगी कौन सी नहीं आ पाएगी, कुछ क्लैरिटी नहीं है। अभी तक तो टाइगर 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 था, ये था कि टिगोर ही लेनी है टाटा की, मतलब उस पर ही एकदम, और वो ऑब्वियसली सेफ्टी फैक्टर को लेते ही वो माइंड आता है। फिर अंदर से इंटीरियर भी जब तक आप बैक में नहीं जाते तो इतना तो ऊपर ऊपर का कर देते हैं वो कि आपको ठीक ही लगता है पहली साइड में तो। और ड्राइविंग के एक्सपीरियंस में जो मैंने टियागो ड्राइव करी थी जिसका सिमिलर ही इंजन है, बट सेक्टर 5 नोएडा के शोरूम में मैंने ड्राइव करी थी तो वहाँ का आसपास का एरिया इतना कंजेस्टेड है ना कि बस मैं ट्रैफिक से उसे ये बचाने में ही लगा रहा है कि कहीं टच ना हो जाए, कहीं लग ना जाए, तो वो एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाया उसका इंजन वगैरह में बिल्कुल भी। 20 की या 30 की स्पीड पे चली गाड़ी थोड़ी सी, मैंने वापस ला के वो खड़ी कर। BMW का शोरूम भी है इधर और आई गेस और भी शोरूम होंगे यहाँ पे। होंडा का भी शोरूम है यार यहाँ। नहीं तो यहाँ लाइन से ही शोरूम है, इधर होंडा का भी है, आगे जस्ट हुंडई ही है, तो दोनों में देखना ही है और पीछे भी है वैसे। सबसे पहले हम जा रहे हैं हुंडई के शोरूम और लेट्स सी क्या ओरा का ओरा क्या है वो देखने के लिए जा रहे हैं। ये ओरा का फ्रंट हो गया ठीक है, और टाइगर को अगर हम कंपेरेटिवली देखते हैं ना तो इस तरीके का टाइगर का फ्रंट आएगा। हम होंडा अमेज में भी बैठे हैं, इसकी फिट एंड फिनिश तो। सबसे पहले हम गए थे हुंडई में, ओरा को हमने टेस्ट ड्राइव लिया, वो गाड़ी 11,000 किलोमीटर चली हुई थी तो इसलिए या इस वजह से पता नहीं क्या उसका गियर थोड़ा सा उतना मुझे प्रॉपर नहीं लगा, उसका क्लच मुझे उतना प्रॉपर नहीं लगा, बट ओवरऑल ठीक ठीक था। फिर उसके बाद साइड में ही होंडा का भी शोरूम था, फिर हम होंडा में गए, वहाँ पे चलाई मैंने अमेज टिगोर में, और जो इसमें दोनों की कमी वो उसमें बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब क्वालिटी फिट फिनिश सब नंबर वन थी उसकी। ड्राइविंग एक्सपीरियंस यार उसका इतना स्मूथ था, मतलब सस्पेंशन वगैरह वो लग रहा था यार आप कुछ अच्छी गाड़ी चला रहे हो। फिर उसके बाद मैंने लास्ट लिया इसका टिगोर का, तो उसकी जो फिट एंड फिनिश की से पहले वीडियो देखी थी, आज जब उस नजरों से हम देख रहे थे तो नई गाड़ी में जिसकी टेस्ट ड्राइव दिलाई थी सिर्फ 65 किलोमीटर चली हुई वो गाड़ी थी, उसमें भी ऊपर जैसे ये सारी चीजें होती हैं, ये कपड़ा थोड़ा सा बाहर निकल रहा था, टक इन नहीं हो रहा था। इनफैक्ट हमने बोल भी दिया था जो बंदा सेल्स का हमारे साथ था कि भैया ये नई गाड़ी में ही 65 किलोमीटर चली गई है, थोड़ा मतलब नहीं है इसका कंट्रोल, फिट एंड फिनिश अच्छी नहीं है। तो बोल रहे थे कि सर ये बेसिक ये चीज़ें तो सही हो जाती हैं, बट पैनल गैपिंग बहुत ज़्यादा थी, चलाने में ठीक ही थी, ओरा के जैसी थी वो भी, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। इनफैक्ट ओरा से मुझे थोड़ी एक मैं बोलूँ तो 19-20 का डिफरेंस बताऊँ तो मुझे 20 ही लगी, थोड़ी सी बेटर लगी, तो नई भी थी और बट उसका कैबिन भी मुझे ठीक लगा ओरा से, और वही अगेन की वो टॉप मॉडल थी, ये भी एक फैक्टर है। एंड अ फ्लैशबैक। तो गाइस फाइनली बहुत टाइम बाद जब से ये व्लॉग हमने स्टार्ट करा था, जब से एक हमारी स्टार्ट हुई थी सेम फ्लैट की तरह, जैसे फ्लैट की आपने सीरीज देखी होगी
उसमें भी इतना टाइम लग गया था, 1.5 साल 2 साल का, जब देखना शुरू करा था, जब लिया था। तो जो अभी हमारे चेहरों से जो स्माइल नहीं जा रही होगी आप देख रहे होगे, उसका कारण ये है कि अब हम इस वक्त अपनी नई गाड़ी में ही बैठे हैं, क्योंकि ये मोमेंट दोबारा कभी आएगा बट एग्जैक्टली ये कभी रिपीट नहीं होने वाला। ये वंस इन फर्स्ट गाड़ी का जो एक्सपीरियंस है और वो जो फीलिंग और इमोशन है, इसलिए हमने चूज किया कि अभी व्लॉग नहीं करते, अभी ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फील कर लेते हैं। तो जस्ट अभी हम निकाल के ही ला रहे हैं गाड़ी शोरूम से, और टोयोटा की गाड़ी है। 1 hour later। तो गाइस फाइनली अपनी गाड़ी जो है वो है ये ग्लांजा, टोयोटा ग्लांजा, और जस्ट डिलीवरी लेके अभी पहुंचे हम घर पे। तो यार रास्ते में मतलब जैसे हर कोई बोलता है ना नई गाड़ी लेने, अभी कुछ टाइम पहले मेरे चाचा ने भी गाड़ी ली थी ब्रेजा, तो बोल रहे थे कि काफ़ी डर लग रहा है। तो ऑब्वियसली रिलेट तो कर पाते हो आप, बट जो एक्सपीरियंस करा आज की, ऐसा लग रहा था कि मुझे ड्राइव करनी आती ही नहीं है, पता नहीं क्या, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं चलाने में। और इनफैक्ट मुझे ये भी लग रहा था कि जब इतनी बार फोटोज देखते थे ना वो की के साथ लोगों की, तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब इतना क्या बिग डील या ये वो, पर आज जब वो पिक्चर हम लोग क्लिक करा रहे थे तो लग रहा था कि हाँ यार ऑब्वियसली फर्स्ट कार और इट्स स्टिल अ बिग डील कॉमन मैन के लिए या फिर मिडिल क्लास फैमिली के लिए, कार घर। और जब तक लोन पूरा नहीं होगा तब तक तो यही नहीं लगता कि अपनी पूरी कम्प्लीटली पूरी हो गई, बट फिर भी अभी तो काफी फैसिलिटी हो गई है इस चीज की यार, बहुत इजी हो गया है प्रोसेस, बहुत फास्ट हो गया है प्रोसेस। बाकी इसका डिसीजन क्यों बना और क्यों ये गाड़ी ली हमने, यही क्यों ली, और स्पेसिफिकली ये मॉडल वगैरह मैं सब रिव्यू करूंगा, इसमें एसेसरीज भी फिट करवाई है, तो इसके पीछे क्या रीजन था ये हम मे बी नेक्स्ट व्लॉग में, इस व्लॉग में अगले दिन कभी कंटिन्यू करेंगे बात, बिकॉज अभी ऑलरेडी रात हो चुकी थी और हम वापस आ गए बेसमेंट में, और यहाँ पे इतना क्लियरली नहीं आपको अभी दिख पाएगा कुछ। द नेक्स्ट डे तो फाइनली अपनी गाड़ी शुरू, उसका हो गया मॉडिफिकेशन, और जो जो चीज़ें एक बार फाइनल होने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि मैंने बहुत मतलब मेजर इसमें नहीं कराया, बहुत बेसिक ही कराए। तो लेट्स सी अभी तक यूट्यूब पे देख के क्या रिजल्ट निकल के आता है क्या नहीं, और इसका मैं रिव्यू आपको डेफिनेटली दूंगा कि क्या इसका फाइनल मुझे काम लगता है, कितना क्वालिटी ऑफ वर्क है कितना नहीं। फाइनली हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज के दिन वीडियो, और इससे पहले के जो आपने शॉर्ट्स देखे होंगे, जो हमने जिस दिन हमने डिलीवरी ली थी उस बात को हो चुका है ऑलमोस्ट अभी 2 हफ्ते। आज हम इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो बेसिकली जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हमने ग्लांजा चूज करी, पहले जो हमारा प्लान था ऑलमोस्ट 1 साल पहले से हम देने का सोच रहे थे, तब से लेके अब तक हमने कितना स्विच करा हो, कितना चेंज करा हो कभी। और एक्चुअली ग्लांजा का तो माइंड में था ही नहीं, बहुत ही रैंडम और बहुत ही बहुत सारे व्हीकल्स और मॉडल्स देखने के बाद अचानक से ग्लांजा का मूड बना, वो कैसे बना वो कौन बताए। मेन फिल्म मेकिंग का मेरा हम लोगों का काम रहता है, बट हम लोगों को ये रियलाइज हुआ कि ये हमारी फर्स्ट कार है, तो जो लोग भी व्लॉग्स देख के, डेफिनेटली आज के टाइम पे सब लोग व्लॉग देखते हैं, कुछ भी उन्हें चीज़ परचेज करनी हो, प्रैक्टिकल भी रहता है, आप जगह जगह जाके आप कंपैरिजन करते हो, उससे पहले आप पहले ही कुछ स्टडी करके जाओ तो आपका एक माइंड मेकअप रहता है, बट उन चीज़ों में आप उनकी बातों पे बहुत 100% रिलाई करते हो, बिकॉज ये मैंने ओवर द प्रोसेस इस गाड़ी को ख़रीदने के ही ये समझ में आ पाया कि यार वो सारी बातें ऑनेस्ट बिल्कुल भी नहीं होती हैं। और जैसे कि मॉडिफिकेशन की वीडियोस हो गई, सर्विसेज वगैरह की वीडियो हो गई या शोरूम की हो गई, तो बहुत उनके पर्सनल इंटरेस्ट भी रहते हैं जिससे कि चीज़ों को वो हाइप करके बोलते हैं। सपोज मैं हूँ, मुझे वीडियो बनानी है, तो मुझे ऑब्वियसली एक फेवरेटिज्म दिखाना पड़ेगा उनके टूवर्ड्स, जिससे कि मैं गाड़ी में भी पढ़ाई करूँगा, बट मैं आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो बेसिकली ये ग्लांजा आप देख रहे होंगे इस वक्त, गाड़ी नंबर प्लेट भी लग गई है, ये हमने ली थी उत्तम टोयोटा और सेक्टर 63 में जो है नोएडा से। तो बेसिकली सबसे पहले जो हमने सोचा था वो सोचा था टैगोर का, और टैगोर CNG हमने सोचा था पिछले साल, तब तक ये गाड़ी लॉन्च भी नहीं हुई थी, बलिनो का 2022 वाला वो मॉडल भी लॉन्च नहीं हुआ था, तो तब हम CNG को लेकर सोच रहे थे, इनफैक्ट 1 साल से भी और थोड़ा पहले की टाइम है, हाँ। है ना। क्या पर्पस था हमारा टैगोर को मोटा मोटा, हम क्या सोच के खरीदना चाह रहे थे उस टाइम? एक तो ये था कि हमारे बजट में आ रही थी,
हमें CNG इसलिए चाहिए था क्योंकि हमें लगा कि हमारा प्रोडक्शन का आगे जो भी प्लान है तो जो कम्यूट का पर्पस है वो CNG से फुलफिल होता, कम पड़ता, इकोनॉमिक पड़ता बेसिकली, इकोनॉमिक पड़ता। लेकिन दिक्कत ये थी कि टाइगर में वैसे ही बूट स्पेस थोड़ा कम था और CNG के डालते ही वो और भी कम हो जाता, तो और हमारे लिए बिकॉज हम इक्विपमेंट लेकर के ट्रैवल करते हैं तो हमें बूट स्पेस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता, तो इसलिए भी था कि CNG छोड़ने का एक रीज़न ये भी था क्योंकि प्राइजेज मोर और लेस सेम ही है। तो बूट स्पेस से भी ज़्यादा जो मैं बताता हूँ सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल फैक्टर इंसान देखता है यार, वो देखता है कि फ्यूल की एफिशिएंसी। और आज से अगर 1.5 साल पहले की बात करें तो CNG में शायद वो एक हद तक थी, बट वो चीज़ धीरे धीरे जा ही रही थी। फिर CNG के रेट्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे थे, फिर ये सारी न्यूज़ भी आ रही थी कि रशिया से सप्लाई कम हो रही है एंड XYZ। उसके बाद जो चीज़ें आप छोड़ते हैं ना उसमें आप अपनी बूट स्पेस का लॉस करते हो, एक्स्ट्रा पे करते हो 1.5 लाख रुपए, बात घूम फिर के वो वहीं पहुंच जाती है। और स्पेशली आजकल जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं तो उनका माइलेज, चाहे वो हाइब्रिड हो या नॉर्मल पेट्रोल कार्स भी हो, तो उनका माइलेज ऑलरेडी इतना अच्छा रहता है। जैसे कि पहले हम डीज़ल में, मेरे पास इससे पहले जो मैं स्विफ्ट चला रहा था अभी, तो उसमें क्या था, डीजल में ही हम ये सोचते थे कि 16 का भी अगर 17 का एवरेज निकाल रही है गाड़ी तो वो बहुत बड़ी, मतलब मैक्सिमम लिमिट पर अपनी निकाल पा रही है। बट आज के टाइम पे 20 का एवरेज, 21 का एवरेज, 22 का एवरेज, जो कि गाड़ी निकालती भी हैं, कंपनी क्लेम भी करती है उससे ज़्यादा का भी, तो वो कॉमन हो गया। तो बात कहीं एफिशिएंसी की, वो रह नहीं जाती, इनफैक्ट आप अननेसेसरी ज़्यादा पे कर रहे हो। और ये चीज़ बढ़ेगी ही आगे फ्यूल को लेकर अगर हम बात करते हैं तो, क्योंकि पेट्रोल हमेशा जो है वो प्राइमरी फ्यूल ही रहेगा। उसके बाद फिर हम हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, चाहे वो लुक्स हो गया, फिर टाटा चाहे बोले कि सेफ्टी वगैरह बहुत चीज़ है, बट उसका 3 सिलेंडर इंजन। और जब मैंने कुछ, मतलब शुरुआत में तो बिल्कुल वही माइंड था जो हमारे रहता है, क्योंकि हम सब लोग इवॉल्व होना चाहते हैं और यही सोचते हैं कि सेफ्टी पे कंसर्न रहे, सेफ्टी पे कंसर्न रहे, उसकी वजह से आप सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हो। बट टाटा की फिट एंड फिनिश, मतलब जो उसकी, और भी हमने टिगोर की राइड ली थी, एक गाड़ी सिर्फ 2000 किलोमीटर चली हुई थी, बट उसके कर्टेन्स ऊपर से जो ऊपर की आप सीलिंग बोलो कार की, वो फट रही थी तभी से, और मतलब फिट एंड फिनिश उसकी बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी टाटा की। तो ये बात रही टाटा की, टाटा हुआ यहाँ से कैंसिल। फिर उसके बाद हमने सोचा कि क्या लें, और फिर हम आए मारुति पे, बलिनो पे, उससे पहले मैग्नाइट वगैरह का भी सोचा, बट अगेन वही 3 सिलेंडर इंजन और ये सब वो नहीं हो पा रहा था। फिर बीच में सेकेंड हैंड कार का भी प्लान बना था बट वो भी नहीं हुआ खिंचा टाइम। उसके बाद हमने सोचा बलिनो का, जो 2022 की इंट्रोड्यूस हुई थी, काफ़ी अच्छी बेस मॉडल में उसमें सब कुछ था। तो यार अब आप ऑलमोस्ट 7.5-8 लाख रुपए गाड़ी में खर्च करना चाह रहे हो, इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो उसके बाद आप शोरूम पे जा रहे हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे बात हो सके। 63 में जो नेक्सा शोरूम है, हम लोग वहाँ पर गए, हमने टेस्ट ड्राइव वगैरह लिया, सब कुछ अच्छा पसंद आया सारी चीज़ें। उसके बाद एक मेरा बेसिक सा क्वेश्चन था, हालांकि उस टाइम पे मैंने मॉडल बीट हमने डिसाइड नहीं करा था बिकॉज क्या लेना है क्या नहीं, बट एक बेस का हमेशा से था कि बेस लेके उसको मॉडिफाई कराने का। तो मैंने उनसे यही पूछा कि अगर वायरिंग कट नहीं होती है, कपलर टू कपलर ही होती है, तो हम बाहर से मॉडिफिकेशन, इसमें बेसिकली आपका स्टीरियो वगैरह बेस में इसलिए ही खाली रहता है कि आपके ऊपर ऑप्शन है, आप कहीं से भी उसे करा सकें, राइट। बट उनका ये था कंपल्शन कि नहीं, आपको एसेसरीज यहीं से लेनी पड़ेंगी और ऐसा नहीं होता है, इस चक्कर में काफ़ी आया। मैंने कहा कुछ कॉन्क्रीट एक वजह तो दो आपकी, ये मॉडल ही क्यों बना, तो फिर एसेसरी लगा के ही इसको बेचा जाता, राइट, इसको खाली क्यों ही बेचा जाता फिर। बट वही, उनके पास कोई आंसर तो था नहीं, बट ऑब्वियसली वो आंसरेबल समझते भी नहीं है किसी को। तो हमें यार वही फील हुआ कि 8 लाख रुपए आप, कोई छोटा अमाउंट नहीं होता, एटलीस्ट हमारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, 8 लाख रुपए आप खर्च करोगे, राइट, उसके बाद भी अभी से इतनी प्रॉब्लम है, फिर सर्विसेज वगैरह में प्रॉब्लम आएंगी। और मारुति का एक ओवरऑल ये तो था ही कि जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल वो यूज़ करते हैं तो वो बहुत डिसअपॉइंटिंग तो रहता ही है। मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखी थी उसमें, जैसे नई गाड़ी में रैटलिंग साउंड वगैरह ये सारी चीज़ें आ रही थी। तो घूम फिर के फिर हम पहुँचे टोयोटा, फाइनली लास्ट बचा था हमारा टोयोटा। और बाकी रेनो और ये सब मुझे लेनी नहीं थी, मुझे एक थोड़ा सा ये था कि क्योंकि यार फर्स्ट कार है तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते ब्रांड के साथ, थोड़ा ट्रस्टेबल ब्रांड चाहिए था। तो टोयोटा पहुँचे हमने, वहाँ हमने ट्राई करी ग्लांजा। तो पहले लुक में बेसिकली सब कुछ सेम है, बस आगे का इसका जो फ्रंट है उसका बम्पर जो है, फ्रंट बम्पर वो डिफरेंट करा है, उसकी वजह से लुक्स वगैरह इसके धीरे 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 आपके माइंड पे ग्रो करने लगते हैं। ग्लांजा का बॉडी वेट जो है वो बलिनो से ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं आपको चाबी भी दिखाना चाहता हूँ, ये इसकी की आती है बेसिकली, जो स्विफ्ट से लेके पिछले मारुति में 10 साल से चलती आ रही है वही इनकी आती है। गाड़ी यहाँ पे सामने खड़ी ही है बेसिकली। अब ये जो इसका फ्रंट फेशिया जो है, इसका जो है ना कैमरी और बड़ी, थोड़ी बड़ी गाड़ी वाला फील आता है इसमें, क्योंकि ये
आप देख पा रहे होंगे इसका जो ये बम्पर है ये बाहर को निकला हुआ है, कार्बन फाइबर फिनिश में रहता है थोड़ा, अभी गंदी हो रही है ऑलमोस्ट, तो ये चीज़ थी। इसका लुक जो है ना वो काफ़ी डिफरेंट था, लुक की बात हो गई प्लस इसकी बॉडी मटेरियल की बात हो गई, ये सारी चीज़। इसका बोनट जो है वो हमें ज़्यादा हैवी लगा, इसका ये जो डोर का पैनल है ये मुझे ग्लांजा से हैवी लगा, जब आप इसे लगाते हो तो हैवी फील होता है। ये सारे फैक्टर्स तो थे ही, टोयोटा क्या है वो प्रीमियम कार में डील करता है, और जब हम वहाँ पे गए तो इतने अच्छा ट्रीटमेंट मिला, वही मेरे बेसिक क्वेश्चंस थे, उन्होंने क्वेरी में एक जस्टिफाइड आंसर होता है ना जो सही लगता है, वो वाली चीज़ वो उन्होंने बात करी, सही बात करी। ये जो एक कंसर्न था कि भाई वायर कट नहीं होना चाहिए, तो हाँ वो माने उस चीज़ को कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से, जो कि रहती ही नहीं है, बट ऑब्वियसली मारुति का भी है, मोनोपोली चल रही है तो करते हैं, वो नहीं मानते, हालांकि ये चीज़ था। उसके बाद जो प्रैक्टिकल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ग्लांजा आप क्यों प्रेफर करें ओवर बलिनो, इन सब रीजंस के अलावा जैसे पहले मैंने आपको बताया, चाहे वो इसका बिल्ड क्वालिटी बेटर हो और इसका लुक्स बहुत सब्जेक्टिव होते हैं, लुक्स मुझे बेटर लगे, हालांकि बलिनो के भी ऐसा नहीं कि उसके अच्छे नहीं है, बट अगर आप क्लोज कंपेरिजन करोगे ना इसका ज़्यादा एग्रेसिव, इसमें थोड़ा थोड़ा ना आगे से कैमरी की वजह से वो सेडान वाला फील आने लगता है, एक वो चीज़ है। 1 लाख किलोमीटर्स की और 3 ईयर्स की इसमें हमें टोयोटा वारंटी ऑफर कर रहा था, जो कि जस्ट डबल हो जाती है बलिनो से, जो कि 40,000 किलोमीटर्स और 2 ईयर्स की वारंटी हमें देता है। तो एक ये सबसे बड़ा फैक्टर था कि यार एक आपका माइंड फ्री हो जाएगा, आपको ये एक्सटेंडेड के तौर पे नहीं लेनी पड़ रही है, जितना हम उसमें एक्सटेंड करा के करते इतना वो इनिशियली ही दे रहा है, तो ये बहुत बड़े एक रीज़न था यहाँ माइंड क्लिक हुआ। फिर ऑब्वियसली धीरे धीरे चीज़ें जो बनती हैं आपकी कि कस्टमर से आप रिलेशन कैसा बनाते हो, मेन सारी बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। कोई भी इंसान इतनी महंगी चीज़ लेने जा रहा है तो सबसे पहले वो चाहेगा कि यार ये लोग ढंग से बात करने वाले तो हों, एटलीस्ट एक लॉजिकल सेंसिबल बात तो करें, क्योंकि आज ही अगर इतनी इनसेंसिबल बात कर रहे हैं तो आगे जाके प्रोडक्ट बेचने के बाद तो क्या ही बात करेंगे, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन तो आपको जब इंसान प्रोडक्ट देखने आया होता है तभी ज़्यादा सबसे अच्छा आपको इंप्रेशन दिखाना होता है, और मारुति वाले उसी में फेल हो गए थे। खैर एक्सपेक्टेड भी था और ऑनेस्टली ये मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ, हमारे लिए जो लास्ट में फील हुआ। तो अब बात करते हैं कि ये बेस मॉडल क्यों चूज़ करा, बेसिकली इस पर भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट था कि हमें सेकेंड टॉप पहले सोच रहे थे, बिकॉज इस पर लोन भी कराया हमने 50% ऑलमोस्ट, तो सेकंड टॉप भी सोचे थे, क्योंकि यार ये रहता है आपकी जब ईएमआई बननी होती है तो चाहे वो 11,000 की बंधे चाहे उसमें 2,000-3,000 रुपये एक्स्ट्रा खींचो, जब आप इतना पे कर रहे हो चीज़ों के लिए तो वो आप कहीं ना कहीं मैनेज करते ही हो, कर लेते हो और सोचते भी हो, तो ऐसा नहीं था, वो फ्लेक्सिबिलिटी थी, वो ऑप्शन थे, हम ले सकते थे इससे ऊपर का मॉडल लेने के लिए, बट अल्टीमेटली हुआ ये कि लास्ट में दिमाग लगाया कि यार या तो पैसे बचा रहे हो तो अच्छे से बचाओ और लगा रहे हो तो अच्छे से लगाओ, अगर मुझे इसमें मतलब मुझे 9-9.5-10 लाख तक की गाड़ी खरीदनी होती फिर मैं इससे ऊपर वाली सेगमेंट पे जाता, जैसे कि ब्रेजा हो गई या फिर ये खड़ी एक पीछे यहाँ पे फोर्ड की, ये भी इतने तक में आना शुरू हो जाती है आज के टाइम पे, तो फिर मैं वो देखता, बट फिर मुझे ये लगा कि जब आप बचा रहे हो पैसे तो फिर अच्छे से ही बचाओ, और क्योंकि इसमें सारी चीज़ें प्रोवाइडेड थी, बाहर मार्केट में सब कुछ मिल जाता है मॉडिफिकेशन वगैरह के लिए, वो भी मैं आपको सभी सारी चीज़ बताऊंगा, काफ़ी आपको दिख भी रही होंगी, तो ये रीज़न था कि यार बेस मॉडल ही लेता, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी वो लगा। ये जो इसका बम्पर है, चाहे आप ये बेस मॉडल लो या टॉप मॉडल लो, ये इतना ही क्रोम इसमें मिलता है एलिमेंट, क्योंकि मैं स्विफ्ट चला रहा था तो उसमें बल्ब थे और इसमें प्रोजेक्टर लाइट्स हैं। अब ये था यार, जब आप बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो कि लोग कन्वर्ट करा रहे हैं इसको वाइट एलईडी में, ये सब वो चीज़ सारी जो भी है, बट मेरे माइंड में भी था, बट जब मुझे प्रैक्टिकली मैंने देखा तो यही चीज़ इतनी बढ़िया लग रही थी कि मुझे ज़रूरत ही नीडी फील नहीं हुई कि इसमें कुछ लगवा। दूसरा, कंपनी से जब हमने बात करी तो उन्होंने काफ़ी सारी एसेसरीज जो हैं वो हमको, एक एसेंशियल किट जो होती है वो हमको एज अ मतलब इसमें डिस्काउंट के तौर पर आप बोल सकते हैं वो दी थी, जिसमें ये इंक्लूड होता है और ये नीचे की गार्निश जो हो गई ये इंक्लूड हो गई, प्लस आपका पीछे के ये इंक्लूड हो गया, ये लोअर गार्निश इंक्लूड हो गई, और बेसिकली ये जो पार्ट है आपका, ये उस एसेसरी किट का पार्ट था, ये जो मैट्स हैं, ये जो बूट में मैट है ये एसेसरी का ही पार्ट था, बाकी कवर वगैरह तो आपको मिलता ही है, नहीं कवर भी एसेसरी का पार्ट था। मोटा मोटा ये जो था हमें कंपनी की तरफ से एसेसरी मिली। उसके बाद जैसे कि ग्लांजा का सब देखते हैं यार, करोल बाग में या फिर
कहाँ पे हम कराएं, तो मोस्टली आता है ऑप्शन करोल बाग का ही। अब मैं आपको वहाँ का ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बताता हूँ, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ हमने क्या क्या करवाया। मैंने सबसे पहले जो मुझे लगा, हाँ ये डोर वाई, ये भी जो है वो कंपनी वाली जो किट थी उसी में साथ में मिला था ये भी। सबसे पहले तो मैंने कराया ये मिरर्स, क्योंकि यार ये बहुत ज़रूरी है। मुझे गाड़ी लेने के बाद जैसे मैं निकाल के लाया, मैं सबसे पहले ये फील हुआ कि ये मिरर्स जो हैं बेसिकली जो ऑल्टो वगैरह आती है उसमें फिर भी ये रहता है कि पीछे यहाँ पे सपोज आप यहाँ कार में बैठ गए, पीछे यहाँ मैकेनिज्म रहता है उनका जिससे कि आप उसको मूव कर सकते हो और सेट कर सकते हो। एटलीस्ट जो यहाँ पैसेंजर बैठा है वो कर पाएगा उसको आप बोलोगे तो। बट इसमें बेस मॉडल में वो भी नहीं आता है। इसमें क्या सीन रहता है कि आपको कांच उतार के नीचे और फिर हाथ से आपको वो एडजस्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज जो भी ड्राइवर होगा वो अपने विजन के हिसाब से उसको एडजस्ट कराएगा, उसको बोलना, उसको कम्युनिकेट करना कि भाई ऊपर कर दे, नीचे कर दे, लेफ्ट राइट, उधर जा, नीचे जा, ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है ये चीज़। यहाँ से पूरा आपका मैकेनिज्म वही आ जाता है और ये रिट्रैक्ट भी हो जाते हैं और दोबारा से खुल भी जाते हैं, इसे बहुत यूजफुल चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो ये चेंज कराई गई। उसके बाद जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने म्यूजिक सिस्टम इसमें कराया था। अब बेसिकली ये पूरा ही फ्रेम चेंज हुआ था, ये मैट कलर का आता है। इसमें जो ओरिजिनल इसमें फ्रेम आता है उसमें ये प्रॉब्लम रहती है कि आप छोटी स्क्रीन ही इंस्टॉल करा सकते हो, ऑलमोस्ट 7 इंच की ज्यादा से ज्यादा। बट आपको अगर बड़ी स्क्रीन ही करानी हो, मैं रिकमेंड भी बड़ी के लिए ही करता हूँ, इसीलिए आप बेस मॉडल लेते हो, तो आपको ये चेंज तो डेफिनेटली कराना चाहिए। फिर आपको पता ही होगा एसी तो इसमें ऑटो वगैरह सब आता ही है। इतनी रिसर्च आप लोगों ने कर रखी होगी, मैं ये नहीं बताऊंगा कि ग्लांजा को ही क्यों चूज करनी चाहिए, मैं उसके बाद की बात आपको सारी बता रहा हूँ। तो ये मैंने स्टीयरिंग रैप ही सिर्फ कराया, बिकॉज अगेन वही वाली बात कि जब पैसे बचाने तो जो चीज प्रैक्टिकल यूज में आ रही है आप वही कराओगे, तो वही मैंने कराई इसमें। और सिर्फ ये मैंने रैप कराया, हालांकि वो लोग सजेस्ट करते हैं बहुत ज्यादा करोल बाग में जितना ईज में काम हो गया है ये सारी चीज वो दिखाते हैं, बट एक्चुअली में उतना ईज में होता भी है नहीं, ये सारी बात मैं आपको इस वीडियो क्लास में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं एग्जैक्टली मैंने कराया क्या क्या है। तो ये मैंने एक इसमें आर्मरेस्ट इंस्टॉल कराया था, बेसिकली ये भी बहुत यूजफुल है यार, ये भी एक बहुत प्रैक्टिकल और यूजफुल चीज है। दूसरा सीट कवर्स मैंने, ये जो थे मैंने शोरूम से ही लिए थे। उसके पीछे रीज़न ये था क्योंकि जो आप बाहर से कराते हो आई अंडरस्टैंड कि उसमें बहुत सारी आपको चीज़ें मिल जाती हैं अलग तरीके से, आपको कम रेट में बकेट फिट मिल जाएगा ये सब वो, बट मुझे इसके ओरिजिनल जो सीट्स थी उनको कटवाना, उनको ख़राब नहीं करवाना था, बिकॉज बाहर यही करते हैं कि वो बकेट वगैरह बनाने के लिए वो इसके जो ओरिजिनल सीट कवर्स होते हैं उनको फाड़ते हैं, उनको हटाते हैं, फिर उसके ऊपर पेस्ट करते हैं। मुझे ये नहीं चाहिए था यार, मुझे ये चाहिए था कि मोबाइल कवर की तरह रहे, जब चाहो आपने, जब ये बाहर वाले खराब हो गए आपने निकाला है इनको, अंदर वाली बिल्कुल सही है और आपने दोबारा इनको चेंज नए डलवाए, चेंज कराया और बात खत्म। मुझे ये नहीं चाहिए था यार वो सीट ही खराब हो जाए, वो यूज करने लायक ही ना हो, तो ये सबकी पर्सनल चॉइस रहती है। मुझे तो काफी अच्छी लगी यार इनकी भी फिटिंग, मुझे नहीं फील होता कि इसके बाद भी वो अननेसेसरी ही लगता है कि कुशन कराना, मतलब मैं ये बात उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, बाद में उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। हालांकि इसको कराने के बाद तो आप कुछ भी, बेस लेने के बाद आप कुछ भी करा सकते हो, अलॉय व्हील्स भी करा सकते हो, कुछ भी, इसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। तो उसके लिए बता रहा हूँ कि ये बेस्ट ऑप्शन रहता है, जब आप बोलोगे वहां बात करोगे तो इस पर डिस्काउंट भी काफी अच्छा मिल जाएगा, राइट। और ये जो कॉम्बिनेशन फिर आया है इसमें बेज का और ब्लैक का, जो कि इंटीरियर से भी इसको मिल रहा है, तो वो भी काफी अच्छा लग रहा है। बाकी अब क्या होता है, और लोग काफी छोटी छोटी चीज कराते हैं, फॉर एग्जांपल ये वेंट्स हैं, इनको आप क्रोम में करा लेते हो जो टॉप मॉडल में आता है, फिर ये चीज चेंज कराते हैं लोग, ये फैब्रिक चेंज कराते हैं, बट यार ये बिल्कुल भी ड्यूरेबल नहीं होता है। और ऑब्वियसली सिर्फ वही रीजन नहीं था, मुझे जो अभी इसकी ब्लैक की एलिगेंस है ना, फॉर एग्जांपल ये पूरा ब्लैक है, ये ब्लैक है, वहां ब्लैक है सारा, वो चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये हैंडल्स ब्लैक है, लोग इन्हें भी सिल्वर करा लेते हैं, बिकॉज आप इसको करा लोगे, इसको करा लोगे, इसको करा लोगे, ये तो सिल्वर नहीं होगा ना भैया। अब क्या है कि वो चीजें पता चलती हैं, एक सोबर टी भी है ना, वो अपने आप में काफी अच्छी लगती है, तो ये मेरा मानना है। पीछे का कुछ ये ऐसा सीन है, इसमें कुछ आर्मरेस्ट वगैरह नहीं आता, फिक्स जो होते हैं वो एड्रेस्ट आते हैं। बाकी मुझे डाउट था यार, पता नहीं, क्योंकि ये जो इसका जो पीछे का इसका मिरर है, ये मैंने जितनी वीडियोस में देखा था डिलीवरी लेने से पहले, मैं डाउट में हो गया था बहुत ज्यादा कि यार इसमें ये एटलीस्ट ऊपर नीचे करने वाला है या नहीं, क्योंकि ये बहुत सारी वीडियोस में जब ऐसे ये रहता है नीचे की साइड तो ये दिखता ही नहीं है। बट फाइनली ये मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो में देखी जाएगा कि हाँ यार ये भी रहता है ऐसे।
और ये सारी चीज थी। बाकी बेस मॉडल में हाँ अगर कुछ आता नहीं है और ये सब यार कुछ ऐसा प्रैक्टिकल इतना यूज की रहती भी नहीं है। तो उसके अलावा अगर मैं बाहर से आपको बताऊं ये पूरा जो है क्रोम गार्निश, अब ये चीज देखो यार ये छूटने लगी है, ये इनके साथ दिक्कत है और ये भी मैंने भी आज ये फर्स्ट टाइम ही नोटिस करी है। तो ये कहाँ ही रुक पाएगी अभी से छूटने लगी है। तो हालांकि ये मैं चाह भी नहीं रहा था बट वही अगेन करोल बाग में यार पता है क्या है। हाँ तो सॉरी मैं आपको करोल बाग का सीन बता रहा था। बेसिकली आपको कॉर्न फील होगा जिस आप जो आपको फील करा देते हैं वीडियो में कि हाँ भाई हैसल फ्री रहेगा, एक बार आ तो जाओ कोई टेंशन नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आपका दिमाग खराब रहेगा सुबह से लेकर शाम तक। एक तो वो जगह ऐसी यार करोल बाग वहाँ इतनी किचकिच चिपचिप इतनी किचकिच, ऐसा लगता है कि आपकी गाड़ी ना कहीं लग जाएगी, वो स्क्रैच ना हो जाए, ये सारी चीज़ ना हो जाए, वो तो खैर एक चीज़ है ही। ऊपर से कुछ भी सपोजिटली आपको स्क्रीन सेलेक्ट करनी है कि आपको कौन सी लगानी, तो उनको यार डेमो देना चाहिए। डेमो नहीं दे सकते तो बता देना चाहिए एटलीस्ट कि भाई नहीं दे सकते डेमो, बट ये बोलते हैं आगे पे टलाते हैं हाँ भैया लगा के वहाँ दिखा के देंगे डेमो ये सब वो, बट एट लास्ट जब वहाँ लग गई सब इंस्टॉल हो, स्पीकर के साथ भी हुआ, इनफैक्ट खुले हुए डब्बे थे। अब मैं अगर 20,000 के स्पीकर्स ले रहा हूँ तो यार मुझे पैक डब्बे चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा तुम लोगे क्या? लेकिन नहीं, खुले हुए थे कि सर ये सिर्फ डेमो के लिए हैं, आप देख लो और उसके बाद चेंज करा देंगे आपको ये वो। फिर वहाँ जब लड़के बैठते हैं, इसीलिए आपने वो छोटी सी ही क्लिप आपने देखी भी होगी, फिर वहाँ जब लड़के बैठते हैं तो आपका माइंड इतना इन्वॉल्व हो जाता है यार। एक तो ये सजेस्ट करूँगा अगर आप जा भी रहे हो ना तो 2-3 जने लेके जाओ आराम से, एक मतलब अकेले तो आप बिल्कुल मत लेके जाना क्योंकि आप इतनी चीज़ें नोटिस ही नहीं कर पाओगे, देख ही नहीं पाओगे हर चीज़ को, और आपके साथ अगर लोग रहेंगे तो वहाँ सही रहेगा, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो हालांकि जो दूर से आते हैं वो किसी ना किसी को लेके जाते हैं, बट क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मुझे जल्दी घर निकलना था तो मैं चला गया था। सो खैर ये सारी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए। हालांकि आपका काम तो सही सस्ता हो जाएगा लेकिन पीस ऑफ माइंड के साथ नहीं हो पाएगा। हालांकि जो कि कंपनी में आप ज़्यादा भी रुपए दोगे ना, बट एक पीस ऑफ माइंड रहता है कि कायदे से कर रहे हैं, बट वहाँ आपकी गाड़ी के साथ कायदे से काम तो बिल्कुल नहीं हो पाता है जैसे आप चाहते हो। हाँ मैं बात कर रहा था आपको कि क्या क्या मैंने और लगवाया। तो ये मिरर्स थे और ये था बेसिकली इन सब पे ओरिजिनल ही बोला है, ये जो थे डोर गार्ड, डोर के जो क्रोम हैंडल थे ये था, ये पीछे की गार्निश थी। अब ये बैक कैमरा जो है मैंने लोग बाग यहाँ भी इंस्टॉल कराते हैं बट मैंने इसमें नीचे ही करवाया है, तो ये था। उसके बाद एक यार ये बम्पर प्रोटेक्टर पीछे का है ना, ये बहुत मुझे अच्छा और क्लासी लग रहा था, तो ये भी मैंने लगवा नहीं रहा था। इनफैक्ट मेरा तो प्लान ये इसका भी नहीं था बट वही ना फोर्स करते हैं अननेसेसरी बहुत ज़्यादा आपको, और फोर्स से भी ज़्यादा क्या कि बोला और लगा दिया। अरे हमने बोला भी नहीं था लिस्ट पे, उसने लगा दिया उसने उस बेसिकली मैंने उनको बोला कि मुझे लगा के सिर्फ आप ऐसे ऊपर से दिखाना कि कैसा लग रहा है, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा, बट वो चीज़ें आपकी कंसिडर ही नहीं होती हैं। वो बंदा सीधे लगाए जा रहा है, उसने खोल के लगा दिया, अब लगने के बाद क्या होता है, इंसान बोलता है चलो भाई अब लग गया तो लगा दो। ये चीज़ होती है, चाहे आप इन्हें पैसे बनाने की टैक्टिक्स समझो आप या कुछ भी समझो, बट ये है कोई ऑनेस्ट और क्लियर काम तो नहीं हो पाता है। चाबी एक चेंज करवाने की मैंने सोचा था बट वो मैंने नहीं करवाई बिकॉज जब वो वहां पे प्रैक्टिकली देखी तो यार वो अच्छी ही नहीं थी, मतलब फिनिश नहीं, आप कमिट ही नहीं कर पा रहे हो चीज को कि अच्छी आएगी, हर चीजों में इतना डिल्यूटेड और ऐसा रख रहे हो कंफ्यूजन में ही सब चीजों को रख के कर रहे हो, तो मेंटल पीस तो बिल्कुल भी नहीं। एक लिस्ट बनाता है वो, क्या होता है कि हर प्रोडक्ट का अलग अलग, आप जैसे स्पीकर कौन से लगने हैं है ना, तो पहले आप मुझे बताओगे भी कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, उसके बाद मैं चूज कर पाऊंगा, जैसे कि बहुत सारी वीडियोस में दिखाते हैं, बट इस चीज को वहां कंसीडर ही नहीं करते। वहां बता देते हैं कि ये कंपोनेंट हैं, ये स्पीकर हैं, ये चार वाला सेट है 8। अरे भाई मुझे सुन के ही पता चल पाएगा ना, स्पीकर को देख के उसकी क्वालिटी जस्ट तो कर नहीं सकता, और दिखाने की बात नहीं थी, मतलब रखे भी नहीं गए थे, बस 2-3 डिब्बे पड़े हुए थे इस तरीके से, तो वो चीज हो गया। फिर ये सिस्टम का हो गया जिसमें इसमें हाइपरसोनिक भी आता है डेप्स का, अब वो बार बार डेप्स लगवाओ, अब डेप्स लगवाओ, हालांकि वो अच्छी भी चीज हो सकती है, मैं ये नहीं बोल रहा कि डेप्स का अच्छा नहीं होगा, बट एज अ कस्टमर मुझे दोनों ऑप्शन देखने हैं, मुझे हाइपरसोनिक भी देखना, मुझे डेप्स का भी प्रैक्टिकल चला के देखना, तब मैं डिसीजन ले पाऊंगा, मुझे महंगा ही चाहिए होगा थोड़ा, बट वो ऑप्शन बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि वो अगर पहले ही बोले कि सर आप नहीं दिखा पाएंगे हम, वो चीज एक समझ में आती है, बट उसके लिए वो ये ही बोलते रहते हैं कि आपको दिखाते हैं इंस्टॉल हो जाएगा फिर दिखा देंगे, और फिर उसके बाद ऑब्वियसली वो झूठ बोलने ही वाली बात हो जाती है कि यार आप नहीं दिखाते हो और कस्टमर को इस चीज पे ले आते हो कि हाँ चलो अब जो लग गया वो ठीक है, इस तरीके से आपका माइंडसेट आ जाता है।
खैर यहाँ हम अगर स्क्रीन की बात करें तो ये स्क्रीन जो है डेप्स की लगाई और काफी अच्छी है, इजी है, मेरा काम अभी तक चल रहा है इसमें। बट अगर आप ये सोचते हैं कि इसमें बहुत नेविगेशन एकदम फ्लुएंटली चल जाएगा ये सारी चीज, तो वो अभी तक हो नहीं पाई है। अब उसका चाहे नेटवर्क का भी इशू हो सकता है कुछ भी, जब इसमें वाईफाई कनेक्ट सब हो जाता है। फिर इसमें मैंने 8 JBL के स्पीकर्स का सेट लगवाया है और उसमें ट्विटर्स वगैरह भी आते हैं दो और बाकी 6 स्पीकर्स आते हैं उसमें। हाँ, तो बस मैंने मोटा मोटा इसमें यही काम करा है और जिसमें कि मेरे 50,000 रुपए लगे। तो बेसिकली ये इसकी बैक कैमरा की क्वालिटी है और मतलब अच्छा है, इसमें सेंसर्स तो ऑलरेडी आती हैं। तो पीछे आपने अभी शॉट में देखी भी होगी, मैं डाल दूंगा, एक पार्सल ट्रे है और बेसिकली एक बूट लाइट लगाई है। बूट लाइट का मैं बताता हूँ कैसे बिल बढ़ाते हैं। बूट लाइट हुआ कि एक जो ओरिजिनल है इनका, ओरिजिनल का यार ओरिजिनल बोलते हैं बट ओरिजिनल का मतलब ये होगा ना कि कोई भी एसेसरी ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये आर्मरेस्ट हमने लिया है ना, ओरिजिनल का मतलब क्या हुआ, ये आर्मरेस्ट लिया इसका एक ओरिजिनल बिल बन के देगा। हम चाहे कि हम मारुति में उसे रिप्लेस कराएं तो चाहे कि हम जहां से हमने लिया वहां से हम कराएं, ठीक है, ये आपके माइंड सेट रहता है जब ओरिजिनल से और बिलिंग से मतलब वो बात करते हैं। बट वहां पे आके यार चीजें ना तो पैक्ड मिल रही हैं हमें, ना कोई दिखा रहा है, बस ला ला के खोल के फिर हर चीज पे बहाने बनाए जा रहे हैं, राइट। और ग्लांजा का जो है वो एक ही बंदे की सबसे ज्यादा आपने वीडियोस देखी होंगी तो जिसमें बोलते हैं 50,000 में ये सारा काम हो गया कि भाई मैट भी चेंज हो गए, लाइट भी चेंज हो गई। तो मैंने उनसे बोला कि भाई हमारा इतना काम तो हुआ ही नहीं 50,000 रुपए में जितना आपने दिखा दिया, कि नहीं भैया वो पैकेजेस रहते हैं और ये सब रहता है, तो वहां पे बातें घुमा दी गई। और लास्ट में मतलब मुझे बंदा इतना देख के इतना जितना स्वीट और ये सब लगता है यार, वहां पे बिल्कुल भी क्लैरिटी रहती नहीं है चीजों में, ठीक है। उसके बाद भी चलो माइंड में था कि एक बिल दिया जाएगा मुझे कॉन्क्रीट, जो उनका कंपनी का नेम है, ये सब चीजें हैं, हर चीज का एक बिल मिलेगा। तो बिल नहीं मिला मुझे क्योंकि बिल बुक बोल, लास्ट में उन्होंने बोला बिल बुक नहीं है। मैंने कहा यार हद हो गई ये चीज तो, कि 50,000 रुपए का इंसान, मैं तो 50 का ही कराया, लोग पता नहीं, एक तो वही चीज है ना शायद इंडिया में लोगों पे फालतू पैसा भी ज्यादा है, क्वेश्चन ही नहीं करते हैं। एक बंदा 1.25 लाख रुपए का काम करा के गया, उसकी गाड़ी में काम हुआ भी ऐसी हुआ, मतलब वो है, बट ठीक है कैमरे के सामने बोला है कि भैया रिव्यूज हो तो वहां पे जो निकलवाना चाह रहे हैं वो निकाल रहे हैं वो स्मार्टली। तो ये सब चीजें हैं। बाकी मुझे, अगर आप एक प्रैक्टिकल इंसान हैं, बहुत फालतू का पैसा आपके पास नहीं है, तो भाई मुझे कोई सेंस नहीं दिखा उस चीज का। और दूसरी चीज सबसे बड़ी बात जो कि एक अभी रिसेंट संस्कारी सुमित जो है चैनल जिनका है उनके वीडियो में मैंने देखी कि आप करोल बाग का इतना हाइप बना दिया है ना, और हालांकि करोल बाग में कुछ फायदा नहीं है ले जाने का, वही काम जो है मेरा सेक्टर 16 नोएडा में हो जाता, वही काम आपका आपके शहरों में हो जाएगा प्राइसेस का, अगर ये वो लेके चलते हैं हम। अब कोई बंदा कितनी दूर से करोल बाग आ रहा है ना, ज्यादा से ज्यादा ओवरऑल जो काम मेरा है लेट से 50,000 में हुआ, वो 51,000 में हो जाता, 52,000 में हो जाता, विच इज फाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इतने में भी नहीं होता, आपको एग्जैक्ट उतने में ही पड़ जाता, मे बी उससे कम में पड़ जाता और आपका हैसल बचता। तो सबसे बड़ा तो ये जो करोल बाग का जो हाइप बना रखा है ना, ये बिल्कुल ही फ्रॉड है, इसका कोई मतलब नहीं है यार, मैं बता रहा हूँ आपको। आप यही काम कहीं से भी कराओगे तब भी आपका ये काम होगा, और यही जो ब्रांड्स हैं डेप्स हो गया जो, ये हर जगह पहुंच ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ये करोल बाग में ही मिलेंगे, वो इस तरीके से दिखाया जाता है और अल्टीमेटली होता वहां पे कुछ है नहीं, कि भाई जिसके पास जो है वो बेस्ट है, जिसने ग्लांजा ले ली उसकी ग्लांजा बेस्ट है, जिसने बलिनो ले ली उसकी बलिनो बेस्ट है। जो बंदा लेने जा रहा है, जो प्रैक्टिकल बंदा है, जिसको और जगह किसी चैनल पे ये सारी बातें नहीं मिलेंगी, मैं उसके लिए बात बोल रहा हूँ कि आपका फायदा किस चीज में रहेगा। अब इसके बाद आप देख लो, मुझे ये लगता है और मेरा माइंडसेट वैसा भी है नहीं कि अगर मैंने सिर्फ जस्ट इस कंपनी से परचेज कर ली तो मुझे इसका बताना है, या इतना मेरे ऊपर कोई इंप्रेशन डाल देंगे कि मैं इनकी वाहवाही करूंगा, वैसा मेरा रहता नहीं है, मैं बहुत क्रिटिकल रहता हूँ। बट यहाँ पे मुझे इसीलिए फील हुआ कि यार जो चीजें मैंने एक्सपीरियंस करी, और ये प्रोसेस ये सोलो भी था मेरा और पूजा का था, इनफैक्ट मोस्टली मेरा ही था, तो मैंने सोचा कि शेयर करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जैसे मैं परेशान था और भी नया बंदा जो भी ले रहा होगा। तो बेसिकली ये एक व्लॉग था जिसको हमने ओवरऑल एक ही व्लॉग में समाप्त करा, एक जो हमारे कार्ड लेने का पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था, हालांकि ये हमारा कोई काम नहीं है, बट मुझे लगा कि यार ये करना चाहिए, उसका रीजन हमने आपको बताई।